हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका इंडियन कोस्ट गार्ड GDDB यांत्रिक का 25 सितंबर 2021 में एग्ज़ाम होना है, तो परीक्षा से पहले ये क्वेश्चन देखकर जरूर जाएं। इस वाले वीडियो में हम लोग जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें, इससे आने सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का, 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। सो गाइस, आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से किस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा में समुद्र का तल ऊपर उठता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन सी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे, चंद्रमा। अगला क्वेश्चन है गाइस, ताप के फारेनहाइट एवं सेल्सियस पैमाने बराबर मान दर्शाते हैं। ऑप्शन ए जो है आपका -40 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, एक वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है, ओडोमीटर। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सौर मंडल में लाल ग्रह है बुध, शनि, मंगल, शुक्र। सौर मंडल में लाल ग्रह है, ऑप्शन सी जो है आपका मंगल, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, जंग लगना संपन्न होता है, जंग लगना संपन्न होता है नम वायु में, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसमें विटामिन ए अधिकतम मात्रा में है? गाजर। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। कौन सा यंत्र ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? माइक्रोफोन। ऑप्शन वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है कि कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है, सभी लोग आंसर बताते हो चलेगा। कणों की व्यवस्था अत्यधिक कीमत होती है, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठोस पदार्थों में। अगला क्वेश्चन है गाइस, चंद्र ग्रहण होने के कारण, सभी लोग आंसर बताते हो चलेगा। चंद्र ग्रहण होने के कारण सूर्य और चंद्र के बीच पृथ्वी आने से, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण होता है, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। अचानक होने वाले वंशागत परिवर्तन कहलाते हैं, अचानक होने वाले वंशागत परिवर्तन कहलाते हैं, उत्परिवर्तन कहलाते हैं, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है, एंजाइम पेप्सिन जल अपघटित करता है, सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। प्रोटीन को पेप्टाइड्स में, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ा श्वेत रक्त कोशिका कौन सा है? लिम्फोसाइट। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई है, सभी लोग आंसर बताते हो चलेगा। ऑप्शन बी जो है आपका न्यूरॉन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, यूरियोटेलिक वे जंतु होते हैं जो अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन डैश रूप में करते हैं। जो बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, यूरिया। स्तनधारियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय में प्रवेश करता है, सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। स्तनधारियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय में प्रवेश करता है, बाएं आलिंद में, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डैश की इकाई का प्रतीक सीढ़ी है, सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, दीप्त, तीव्रता। अगला क्वेश्चन है, श्वसन है
श्वसन क्या है? अपचयी तथा ऊर्जा जनित। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, संपर्क बल के लिए एक उदाहरण है, तो संपर्क बल के लिए उदाहरण है पेशीय बल। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का उत्तरी चुंबकीय ध्रुव भौगोलिक डैश ध्रुव के निकट होता है, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर, दक्षिणी। ऑप्शन डी जो है आपका दक्षिणी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहां से आपके सामान्य जागरूकता के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का उद्देश्य ग्रामीण आजीविका में सुधार करना तथा ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना तथा देश में पंचायतीय राज को मजबूत करना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए क्या आंसर होगा। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गाइस, मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास एवं मृदा का उपयोग किया जाता है और रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती हैं। सभी लोग आंसर बताते हो चलेगा, चट्टान बांध। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, डेस दी गई अवधि समाविष्ट में होने वाली मौतों की संख्या है, मृत्यु दर। जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ये कथन दिए गए हैं, ये कूट है, आंसर आपको चूज करना है इन लोगों में से, तो क्या आंसर होगा? देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। दूसरा ए, फॉरेन पॉलिसी फॉर इंडिया के लेखक आई के गुजराल, विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। तो यहां से आपको ये ध्यान में रखना है कि विंग्स ऑफ फायर जो आत्मकथा है ये एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत और डेस के बीच में छोटा समुद्र समुद्री रास्ता पाक जलसंधि तथा मन्नार की खाड़ी है, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है गाइस, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 10 मिलियन 10 लाख वर्ग किलोमीटर है। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 3.28 में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिनके कुल लक्षण एक समान होते हैं। सभी लोग आंसर बताते हो चलेगा, गढ़ ऑर्डर। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 79 क्वेश्चन देखेगा गाइस, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था? सभी लोग आंसर बताते हो चलेगा, ऑप्शन सी जो है आपका बारदौली सत्याग्रह, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। करीबा बांध किस नदी पर अवस्थित है? करीबा बांध किस नदी पर अवस्थित है? जैमोजी नदी पर अवस्थित है। तो ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि डैश फर्म की लागत शून्य हो अथवा केवल स्थिर लागत हो तो संतुलन में पूर्ति की मात्रा को उस बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है जिस पर सीमांत सांप्रति शून्य होती है। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, एकाधिकार। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र आकार के होते हैं, यू आकार के होते हैं। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस, बांग्लादेश में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी है जो गंगा की मुख्य शाखा नदी भी है? गंडक, कोसी, गोमती, पद्मा। ऑप्शन डी जो है आपका पद्मा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। डैश शेष सौदा व्यापार सेवाओं और शेष विश्व से प्राप्त निवल अंतरण का योग होता है। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, चालू लेखा। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
किसी वस्तु की मात्रा के लिए उपभोक्ता का इष्टतम चयन तथा उसकी कीमत में संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा यह संबंध डैश फलन कहलाता है। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा मांग। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गोल गुंबद ये कहाँ पर स्थित है? गोल गुंबद ये कहाँ पर स्थित है? तो गोल गुंबद जो है ये कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में असाधारण और प्रतिष्ठा सेवा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत का दूसरा सबसे बड़ा दिया जाने वाला नागरिक पुरस्कार है? पद्म भूषण, परमवीर चक्र, पद्म विभूषण, भारत रत्न। पद्म विभूषण। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई डैश योजना का मुख्य लक्ष्य प्रत्येक खेत में सिंचाई सुनिश्चित करना और जल के अधिकतम उपयोग को बढ़ावा देना है। निरंजल संभरण योजना। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नियॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? सो गाइस, नियॉन की खोज जो है मोरिस डब्ल्यू ट्रेवर्स और विलियम रामसे के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूची में सूचीबद्ध है? केंद्रीय, राज्य, विश्व, संवर्ती। ऑप्शन डी जो लोग बता रहे हैं, संवर्ती। सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। ओके,